नाजिन वरी वजीर तरफा कोट शाहू जे एसएचओ एहलकारन के जल्द बाजियाब कराने की हिदायत की वही है। निगरान वजीर आला मकबूल बाकर चवाहे तो कोट शाहू में एहलकारन के अगवा वारो वास्तो पुलिस की बदनामी जो सबब बण्यो। एसएचओ के अगवा गर्दी में थाने के कमजोर हालत की खबर पवे थी। निगरान वजीर आला सैयद मकबूल बाकर की सदारत हेठ अमुनमान बाबत इजलास थो है। इजलास में निगरान सूबाई वजीर ए नागापुर पुलिस ऑफिसर शरीक थे। घरों सेक्रेटरी तरफा इजलास के एपेक्स कमेटी के फैसल से अमल दरामद बाबत ब्रीफिंग दिनी वही है। घरों सेक्रेटरी ब्रीफिंग दींदे बुधाया तो स्पेशल ब्रांच गैर कानूनी परडेहन की वापसी लाए कम कर रही है। गैर कानूनी परडेहन की कारोबारी मरकजन की निशानदेही कई पी वे। निगरान वडे वजीर मकबूल बाकर इजलास के खिताब कदे है तो गैर कानूनी परडेहन की वापसी लाए कानून लागू कदड़ इदारा कॉम्बिंग ऑपरेशन कन। नाजिन अवां के एक भेरो बीहर ही ब्रेकिंग न्यूज जो पया तो वडे वजीर तरफा कोट शाहू के एसएचओ अहलकारन के जल्द बाजियाब कराने की हिदायत कई वही है। निगरान वजीर आला मकबूल बाकर चवा है तो कोट शाहू में अहलकारन के अगवा वारो वाक्यो पुलिस की बदनामी जो सबब बण्यो। एसएचओ के अगवा गर्दी में थाने की कमजोर हालत की खबर पवे थी। निगरान वजीर आला सैयद मकबूल बाकर की सदारत हेठ अमुन अमान बाबत इजलास थो है। इजलास में निगरान सूबाई वजीर लागापल पुलिस ऑफिसर शरीक थे। घरों सेक्रेटरी तरफा इजलास के अपेक्स कमेटी के फैसल से अमल दरामद बाबत ब्रीफिंग दिनी वही। घरों सेक्रेटरी ब्रीफिंग दींदे बुधाया तो स्पेशल ब्रांच गैर कानूनी परडेहन की वापसी लाए कम कर रही है। गैर कानूनी परडेहन के कारोबारी मरकजन की निशानदही कई पी वे। निगरान वडे वजीर मकबूल बाकर इजलास के खिताब कदे तो गैर कानूनी परडेहन की वापसी लाए कानून लागू कदड़ इदारा कॉम्बिंग ऑपरेशन